कहानी मिहिर सेन की। वो मिहिर सेन जिसको तबाह करने के लिए वामपंथियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। वो मिहिर सेन जो वकील से तैराक बने, जिसने महासागरों पर फतेह हासिल की, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय और एशियाई बने, 5 महाद्वीप तैरने वाले पहले पुरुष तैराक बने। जरा सोचिए, जिस व्यक्ति ने भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर गौरवान्वित किया हो, उस मिहिर से वामपंथियों को भला क्या परेशानी हो सकती थी। ऐसी क्या वजह थी कि पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा सरकार ने मिहिर सेन की जिंदगी और व्यवसाय दोनों को नष्ट कर दिया। ऐसी क्या दुश्मनी थी कि वामपंथियों को वो फूटी आंख नहीं भाए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जाने माने राजनेता और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे ज्योति बासु ही वो शख्स थे जिन्होंने मिहिर सेन को तबाह करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मिहिर सेन ने कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ने से साफ इनकार कर दिया था। दरअसल ज्योति बसु चाहते थे कि वो CPIM में शामिल हो जाएं, लेकिन ऐसा करने से उन्होंने साफ मना कर दिया, क्योंकि वो एक महान राष्ट्रवादी थे। लेकिन उनको क्या मालूम था कि कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ने से मना कर देने का उनसे बदला लिया जाएगा, वो भी बेहद कायराना ढंग से। जब सत्ता में वाम मोर्चा आया तो उसने मिहिर सेन को बर्बाद करने के लिए हर नाजायज काम किया, उनके व्यवसाय को नष्ट करने के लिए सब कुछ किया, यहाँ तक कि लोकतंत्र की भी परवाह नहीं की। जीते जीतो जो वामपंथियों ने उन्हें कष्ट दिए वो तो अलग हैं, उनके मरने के पश्चात भी उनके साथ गलत व्यवहार किया गया। 1997 में जब मिहिर सेन की मौत हुई तब वो कर्ज और मुकदमों से घिरे हुए थे। जरा सोचिए, वो शख्स जिसने अपने नाम इतनी सारी उपलब्धियां हासिल कर रखी हों, जिसने भारत का नाम विश्व में रोशन किया हो, उसके दाह संस्कार में पश्चिम बंगाल स्विमिंग एसोसिएशन का कोई भी सदस्य तक मौजूद नहीं था। मिहिर सेन के साथ जो कुछ भी हुआ, उसने एक बार फिर से वामपंथियों के दुर्दांत चेहरे को उजागर करने का काम किया है। मिहिर सेन ने देश के लिए जो कुछ भी हासिल किया, उसे हासिल करना वामपंथी जैसे देश विरोधी दलों के बस की बात नहीं। उनका काम हमेशा ब्रिटिश शासकों की तरह तोड़ो और राज करो जैसा ही रहा है। 1958 में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले मिहिर सेन भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के पहले तैराक थे। मिहिर ने 24 अगस्त 1966 को 8 घंटे 1 मिनट में जिब्राल्टर डॉर ई डेनियल को पार किया। जिब्राल्टर को तैरकर पार करने वाले मिहिर सेन पहले एशियाई तैराक बने। 12 सितंबर 1966 को उन्होंने डॉर डेनियल्स को तैरकर पार किया। 29 अक्टूबर 1966 को उन्होंने पनामा कैनल को लंबाई में तैरकर पार करना शुरू किया। इस पनामा कैनाल को पार करने के लिए उन्होंने 34 घंटे 15 मिनट तक तैराकी की। पेशे से वकील मिहिर ने सॉल्ट वाटर तैराकी में 5 महत्वपूर्ण रिकॉर्ड बनाए थे। मिहिर को 1959 में पद्मश्री और वर्ष 1967 में पद्मभूषण पुरस्कार से नवाजा गया था। मिहिर सेन का जन्म 16 नवंबर 1930 को पश्चिम बंगाल में हुआ था। उन्होंने ओडिशा में कानून से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। आगे की पढ़ाई के लिए वो इंग्लैंड चले गए। वकालत के दौरान ही उन्हें इंग्लिश चैनल पार करने का जुनून चढ़ा। 27 सितंबर 1958 को इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने में आखिर वो सफल हुए। जरा सोचिए, ऐसे व्यक्ति के साथ वामपंथियों ने कैसा व्यवहार किया, सिर्फ इसलिए कि 1977 में कम्युनिस्ट नेता ज्योति बसु ने उनसे एक हाई प्रोफाइल सरकारी पद के बदले में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी में शामिल होने और प्रचार करने की इच्छा जताई थी। उन्होंने एक इनकार का बदला ज्योति बसु ने सत्ता में आने के बाद दिया। CPIM की जीत के साथ बसु ने सेन के व्यवसाय पर हमला किया और लगातार उनके कामकाज पर तब तक प्रहार करते रहे जब तक कि वो कमजोर नहीं हो गया और वो उसे स्थायी रूप से बंद करने के लिए मजबूर नहीं हो गए। सेन का व्यवसाय CPIM के नेतृत्व द्वारा नष्ट कर दिया गया और उन्हें दिवालिया होने के लिए मजबूर कर दिया गया। उनके खिलाफ झूठे मामले शुरू किए गए और उनके घर और कार्यालय पर पुलिस द्वारा बार बार छापेमारी कराई गई। उनकी संपत्ति जब्त की गई, उनके बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए थे और घर पर सभी नकदी अधिकारियों द्वारा जब्त कर ली गई थी। इस तीव्र उत्पीड़न के तनाव ने महज 50 की उम्र में उनकी जान ले ली।